Hey guys, welcome back to our channel. मैंने ध्रुव को काम पे लगा दिया है, वो अभी मैंगो शेक बनाएगा और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करेगा. मेरी छुट्टियां चल रही हैं, अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो मैं बहुत मजे में हूँ और मैं एक एक दिन गिन रही हूँ अपनी छुट्टियों पे. क्या है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, अपना खाना खुद बनाओ. ये देखो, एक एक दिन गिन रही हूँ मैं छुट्टियों का, मुझे बहुत मजा आ रहा है. हाँ, सो पढ़ना नहीं है अभी एक महीना. सो या मैं डालूंगी पहले चौकोस, फिर डालूंगी मैं ये स्किम मिल्क. उसके बाद इसमें से मैं, जो इसने अपने शेक के लिए मैंगो निकाला है, इसमें से मैं दो मैंगो चुराऊंगी. पहले चुरा लेते हैं. ए ए ए क्या क्या काट दे, अलग से काट देता हूं ना, चोर. ये ले. तो छोटे छोटे किसको दे रहे हो भाई, पूरा मेरे को हाफ मैंगो चाहिए. इसमें तो डाल भाई, मैंने भी पीना, अपना अपना डाल के चल भाई, काम खत्म. इधर चोकोस मैंगो, इधर मैंगो प्रोटीन एंड वॉलनट्स. तो प्रोटीन भी नहीं पीती है, सिर्फ मजे के लिए खाती है. फायदा क्या फिर, इसमें भी डाल सकती है. क्या बेइज्जती की है, सच तो बोला है. मैं तो ये करने नहीं वाला, तो कुछ फायदा नहीं है. क्यों नहीं कर रहा, तो सबने डिमांड की थी कि हाँ करो करो. देख हमारे पास ये भी है और हम ये भी यूज कर सकते हैं. मेरे को नहीं करना, बट हमें करना है, हमें चैलेंज करना है. कभी तो कोई चैलेंज कर ले, डरता है क्या? ये कोई चैलेंज थोड़ी है, बच्चों वाला ये तो. हाँ, कर ले. हमने मीटर लगने देने के लिए कम से कम एक महीना हो गया तब से दे रखा है और अभी तक मीटर नहीं लगा है. और उसकी वजह से, मीटर ना लगने की वजह से, ये देखो आरओ का अडेप्टर सड़ गया. मैं नया अडेप्टर लेके आया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ये देखो जो मैं नया लेके आया था, नया लेके आया, ये भी सड़ गया. ठीक है, अलेक्सा लिया था हमने, अलेक्सा का भी अडेप्टर सड़ गया. ऊपर की एलईडी सारी सड़ गई, एसी भी सड़ गया एक. ठीक है, और इतना ज्यादा नुकसान हो गया. और अगर यही काम टाइम पे किया होता और टाइम पे मीटर लग गया होता तो ये काम नहीं होता. ठीक है जी, चलो हम कुछ ना कुछ अफोर्ड करवाते इसलिए कर लेते, लेकिन अगर कोई गरीब बंदा हो बेचारा, वो कैसे करेगा? वो तो डर के मारे बिजली नहीं चलाएगा पूरा दिन. तो मतलब समझ सकते हो इतनी ज्यादा. और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, इंडिया में या फिर कोई भी काम होता है, बहुत ही देसी और जुगाड़ू काम होता है. किसी के पीछे कोई साइंस तो दिखती नहीं है, लॉजिक ही नहीं है. और जिस एरिया में मैं रहता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, बालकनी देखोगे ना, एक बालकनी ऊंची है, एक नीची है, एक टेढ़ी है, एक सीधी है, ऐसे है. हाँ, literally. चलो इसी की तो वारंटी थी, वो ठीक हो जाएगा. उसमें क्या है कि उसकी जो साइड में कुछ पीवीसी होता है ना, पीवीसी कुछ समथिंग लाइक दैट, वो सड़ गया. और चलो वो तो चेंज हो जाएगा, वो तो दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा. बट अडाप्टर्स का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है. अभी ये देखो, अलेक्सा लेके आया था मैं, ये अभी 3 दिन हुए लाए हुए हैं, सिर्फ एक दो दिन यूज़ किया है और अडेप्टर खत्म हो गया है. उसके बाद अमेजोन से ऑर्डर किया है. और अमेजोन वाले भाई इतने शाणे हैं ना, वो उन्होंने क्या कर रखा है, अडेप्टर का जो आगे का साइज होता है ना, कि इतने एमएम की कुछ लिख ही नहीं रखा है. और नीचे इतने बंदों ने कमेंट कर रखे हैं ना, इतने लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि जो चार्जर हमने ऑर्डर किया था वो तो है ही नहीं है. नाम सेम लिखा हुआ है, जो ऑर्डर किया हुआ आगे से जो पिन होता है ना उसका लगता है, जैक लगता है, वो है ही नहीं है. और इतने कम से कम भी 100 बंदों ने सेम कमेंट कर रखा है कि ये चार्जर नहीं है, हम दोबारा ऑर्डर करें. 2 बार ऑर्डर कर चुका मैं, 3 बार ऑर्डर कर चुका हूँ. इतना बुरा हाल है ना भाई, अमेजोन तो गया. और एक बात मैं क्लियरली बोलता हूँ भाई, मैंने खुद अमेजोन से ऑर्डर करके देखे हैं सप्लीमेंट. ठीक है, बहुत बेकार सप्लीमेंट होते हैं, कभी भी अमेजोन पे ट्रस्ट मत करना. बहुत ही ज्यादा फेक, जो सबसे ज्यादा अमेजोन पे बिकता है, कभी मत लेना. ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है 2-3 बार. सप्लीमेंट्स तो कभी भी मत लो अमेजोन से, कभी भी नहीं. हमारे जैसे छोटे मोटे बंदे होते हैं काम करने वाले, उनको जनता पकड़ती भी है कि अगर कुछ गलत हो जाए, गलती हो भी जाए. लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनके आगे जनता भी नहीं बोलती है. मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों नहीं बोलते उनके आगे, जो कि असली घपला वहीं पे होता है, वहां पे बोलना चाहिए. उस दिन जो बंदे मुझे गलत बोल रहे थे ना कि 3 घंटे मशीन नहीं चलानी चाहिए, आधे घंटे का काम है, ये कपड़े अभी तक नहीं सूखे हैं इसके, 3 घंटे चलाए थे, 3 घंटे इसी लेता, कपड़े तो 30-40 मिनट में धुल गए थे. उसके बाद वो ड्राई कर रहा था उसको, और बिल्कुल ड्राई थे, इतने ड्राई थे ना, सीधा आप उसमें रख सकते हो, कपड़े में रख सकते हो सीधा. ज्यादा नहीं सुखाए थे ना, थोड़े सुखाए थे, अब सूख चुके हैं. क्लाइंट्स तो कुछ भेजते नहीं है तेरे लिए. मेरी क्लाइंट ने देख भेजी है मेरे लिए बुक पढ़ने के लिए. मैं बैठ के इसको पढ़ूंगी और तू बैठ के मेरी शक्ल देगी. मेरा और ध्रुव का कंपटीशन लगा है कि किसके बाल ज्यादा आते हैं. तो लगता है कि मेरे तो है ही नहीं, तो बच्चा देख कितनी साफ है मेरी. हाँ, तो लगता है कि मैं ही जीत रही हूँ.
भाई अपनी टांगे देख और मेरी देख कितनी चमकारे मार रही है। चमकारे मार रही, मेरे भी तो दिखा, मेरे तो ग्रोथ तो दिखा मेरी तो। बहुत लोग नॉर्मलाइज नहीं करते हैं ये चीजें कि गर्ल्स कैन आल्सो हैव बॉडी हेयर, तो वी शुड नॉर्मलाइज इट। बहुत नॉर्मल है, सबके बाल आते हैं, सबके बॉडी हेयर होते हैं, आपकी बॉडी है तो उस पे हेयर भी होंगे, विच इज वेरी नॉर्मल, सो वी शुड नॉर्मलाइज इट। देखो ये बुढ़न क्या खा रहे हैं, वीट ग्रास और वीट ग्रास और नीचे घास उग जाएगी। ये जब से मैंने खाना स्टार्ट किया ना भाई, डाइजेशन एक नंबर हो गई है, इम्यूनिटी भी, वेट प्रमोशन नहीं है ये। इसे बहुत ट्राई करी थी यहाँ से अपना क्या कहते हैं उसका घोंसला उतारने की, वो देखो, बट उसने बना ही लिया है तो अब कुछ नहीं कर सकता ये। जितना मर्जी ये ट्राई कर ले कुछ जिंदगी में करने की, कुछ मेरे बिना तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। गिलास नहीं तेरे घर में, मतलब इतना गरीब है तू, गिलास में नहीं पी सकता। रियलिटी पता क्या, हमको बहुत मैसेज आते हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन जब उनको ये बोलते हैं ना कि हम आपके हिसाब से नहीं करेंगे, वो बोलती है 30 से 1 मिनट की वीडियो बनाओ, उसमें आपने ऐसे बोलना है कि हम 6 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद एक गोली लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, फिर मैं ये बहुत सालों से ले रहा हूँ। हम उसको बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, फिर मुड़ के मैसेज नहीं आता उसका। हम ये पौधे लाए थे कितने छोटे छोटे थे ना, ये बड़े हो गए, लेकिन तू वाकई भाई है। ये मेरे साथ स्पाइसी रेमन चैलेंज नहीं कर रहा है, मैं करना चाहती हूँ, ये नहीं कर रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरपोक है, इसको बहुत डर लगता है और ये इसी लायक है कि इसको कुछ ना मिले आगे से खाने को बाहर का। मेरे को मिर्ची लगती है, मिर्ची नहीं है उसमें, तो स्पाइसी रेमन चैलेंज नाम क्यों? अरे मतलब कि उसमें आप वही तो चैलेंज है कि आप क्विट कर सकते हो, यू हैव एन ऑप्शन। बट मैं क्यों हार मानूं, तो तुम मैं क्या बताते इसे पहले मैं मान जाऊं, तो तू मान ले खुद, खा के कल ही मान जा, मेरे को जिता दे यार, अकेले कौन करता है, कभी तो साथ छोड़ ले। आई लव माई त्रिफला चूर्ण, आई लव माई वीट ग्रास, दे हेल्प मी फार्ट। ध्रुव के दिमाग में कुछ आया है और ध्रुव हाउ टू डू How to do paid promotion, ठीक है? Follow me, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे paid promotion करनी है। Brand हमें कैसे बोलते हैं promotion करने के लिए? ठीक है, okay, start. सो गाइस, मेरी मॉर्निंग रूटीन यही है कि सबसे पहले मैं जब भी उठता हूँ मैं अपनी ये गोली घोल के पीता हूँ। पीने के बाद मेरे दिन में इतनी, मतलब जब से मैं ले रहा हूँ इतनी ज्यादा ताकत आ गई, बाल देखो मेरे कितने अच्छे हुए, दाढ़ी मेरी इतनी बड़ी हो गई है, मुझे भी आगे मेरी सोने की चेन भी मेरे गले में हो गया गाइस। हालांकि कल कुरियर आया था लेकिन मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, मैं वो दिमाग में यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम से। वीडियो किसी को मजाक उड़ाने या किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट करने के लिए नहीं है, ये जस्ट इसलिए कि आप जो इन्फ्लुएंसर को कोई प्रोडक्ट देते हो तो उसको खुल के प्रमोट, अपने तरीके से प्रमोट करने की आजादी होनी चाहिए ताकि आप असली इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा सके। अब से लगा हुआ है, तब से लगा हुआ है, इससे जुड़ा नहीं है वैक्यूम, तब से लगा हुआ है, और ये इसके पास एक सैंडो है जिस जो इस दो साइड पहन सकते हैं, डबल साइड है, कभी लाल पहन लेता कभी चिट्टी पहन लेता, बदल भी ले इसको कभी। मैं तो एक कच्चा भी 4 दिन पहनता हूँ, पहले 2 दिन सीधा फिर 2 दिन पुट्ठा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था सबको कि चुईया प्रेग्नेंट थी, जो स्ट्रे हमारे घर पे आती थी खाना खाने, अब वो मतलब उसके बच्चे होने वाले थे, तो आई थिंक उसने कोई अपनी सेफ जगह ढूंढ के वहाँ पे शायद पपीज दे चुके हैं, आई डोंट नो। मैं इसको तब से बोल रही हूँ कि हम ढूंढने चलते हैं और उसको कुछ खाने का दे के आते हैं, बट ये आदमी मान ही नहीं रहा है। चल ले चल ले, ठीक है, बी काइंड, चल ले, जुड़ गया ना, बस चल।